बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। बाइपोलर डिसऑर्डर इज एक मूड डिसऑर्डर होता है। इसमें बाइपोलर है मतलब दो पोल्स है, वो मूड कभी हाई जाता है और कभी लो जाता है, या कभी कभी बीच में रहता है, मतलब ना लो है ना हाई है। जब वो मूड हाई रहता है, बहुत ज़्यादा है, मतलब उसमें एक्सटेसी है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें आदमी करता है, बहुत ही मतलब जॉक्युलर रहता है, बहुत हंसेगा हंसाएगा लोगों को, बहुत एनर्जेटिक, नींद नहीं आती है, नींद मिली आने तो भी बहुत उसको एनर्जी लगती है या दिखती है उसमें एनर्जी है करके, बहुत ज़्यादा बातें, फास्ट बातें करना, घूमना, बड़े बड़े वादे करना, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करना या प्रॉपर्टी बेचने के लिए करना, ऐसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, एग्रीमेंट साइन करना, उसको लगता है कि अपन टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, बोलता मैं आमदार हूँ, मैं खासदार हूँ, ऐसा कुछ भी बोलेगा वो प्रधानमंत्री बनने का है। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर मैनिक टाइप है। कुछ लोग फिर अच्छे हो जाते ट्रीटमेंट से, या बोलो या नॉर्मल रहते कुछ दिन, या तुरंत डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन में जब जाएंगे तब एकदम होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, निराशा, कुछ करने को मन नहीं करता, कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकते, कुछ भी एंजॉय नहीं, ना खाना, ना पीना, ना घूमना, पढ़ाई करना, कुछ भी एंजॉयमेंट नहीं, ना बातचीत करना, और उनको बहुत नर्वसनेस, उदासीनता, सैडनेस ऐसा होता है, बहुत निराशा, और रोना आता है बिना कारण का, फिर वो सोते भी नहीं है। एक तो सोने को दिल नहीं करता, मतलब नींद नहीं रखती नहीं है, या सुबह जल्दी नींद खुल जाती है, उनको एपेटाइट नहीं, मतलब भूख नहीं लगती है, फिर वजन कम हो जाता है, सेक्स की इच्छा नहीं होती है, और इसमें फिर निराशा और दुख और फिर आत्महत्या की सोच भी आती है। तो ये डिप्रेशन है, वो भी ठीक होता है अगर नॉर्मली ठीक हो जाएगा और आदमी नॉर्मल पे आ जाएगा, बाद में मैनिक हो जाएगा, ऐसा ही ऊपर नीचे या नॉर्मल होते रहता है। इसमें मेनली दवाई मूड स्टेबिलाइजर जो है बहुत काम में आते हैं, और मूड स्टेबिलाइजर हम देते हैं तो ये ऊपर नीचे होना रुक के एक आदमी मेंटेन हो जाता है बीच में, सेंटर में। तो मूड स्टेबिलाइजर को ट्रायल एंड एरर से मैच करना पड़ता है कि भाई कितना डोज लगेगा, और वो देते हैं तो फिर ये मूड स्विंग्स है वो बदल जाएंगे और आदमी एकदम नॉर्मल लाइफ जी सकता है। इसमें बहुत दिन तक दवाई लेनी पड़ती है, क्योंकि क्या है कि दवाई समझो बंद कर दिया मूड स्टेबिलाइजर, हो सकता है कि फिर से उसका दौरा आ जाएगा, इसलिए एकदम कम से कम डोज में मेंटेनेंस डोज देने का है, और आराम से मतलब ये बीमारी ठीक हो सकती है। बाइपोलर डिसऑर्डर पूरी ठीक होने वाली है। बड़े बड़े पोजिशन पर लोग हैं, बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, और उनको बाइपोलर डिसऑर्डर है। मतलब खासियत बीमारी की ऐसी है कि जब बीच में रहते हैं, ना ऊपर ना नीचे, तो एकदम नॉर्मल रहते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर रहते हैं हाइपर, या उसको बोलते हैं हाइपोमैनिया, तो उसमें बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा आते। तो इस तरह की ये बीमारी है। आप इतना ही काम करना है कि ज़्यादा से लोगों को शेयर करो, ताकि जिनको बीमारी है उनको ये बीमारी पहले स्टेज में पकड़ में आ गई तो अच्छा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट हमारे यहाँ आ गए तो हम उनको रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं, वो वहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ इलाज करते हैं। दूसरा हॉस्पिटल हमारा है, उसमें रिश्तेदारों के अलावा अकेले पेशेंट को हम भर्ती करते हैं और वहाँ उसका इलाज करते हैं, और फिर पेशेंट ठीक होने के बाद में उसको घर पर भेज देते हैं। यदि पेशेंट आने को तैयार नहीं तो हम घर से पेशेंट को लाते हैं उठा के, और फिर उसका इलाज हम करते हैं। हमारा ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा वीडियो कंसल्टेशन है, ऑनलाइन वीडियो कॉन्टैक्ट्स आप मेरे से कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, प्रॉब्लम जो है वो सुलझा सकते हैं। आपको अच्छा लगा वीडियो तो जरूर लोगों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हमारे चैनल को जरूर जरूर विजिट करो। थैंक यू वेरी मच।